हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी रोल। तो चलिए फिर फटाफट हम इसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। सूजी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को हम भून लेंगे और इसमें चार हरी मिर्च को कट करके हम डाल देंगे और इसे हम भून लेते हैं। और इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे भी हम भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन हम एक चम्मच के करीबन कद्दूकस करके इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी हम भून लेंगे। सभी चीज़ों को हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर एक, इसे भी हमने बारीक कट कर लिया है और इसे भी हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे मिर्ची चम्मच डालेंगे इसके अंदर डेढ़ चम्मच, यानी एक चम्मच और हाफ। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे। आधा कटोरी बॉईल किया हुआ चना डालेंगे। आलू डालेंगे बॉईल किया हुआ। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे और इसे हम इसके अंदर डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को मसाला के साथ में हम मिक्स करते हुए हम अच्छे से भून लेंगे। और इसमें डालेंगे गरम मसाला आधा चम्मच और इसे भी हम डाल के हम भून लेंगे। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी है। अब हम डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक पेन और इसके अंदर हम डालेंगे दो कटोरी पानी। पानी का हम नॉर्मली गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी सूजी, उसी कटोरी से जिस कटोरी से हमने पानी डाला है। इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, रिफाइंड ऑयल डालेंगे दो चम्मच के करीबन। और अब हम इन सभी चीज़ों का हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो सूजी है हमारी बिल्कुल गाढ़ी होने लगी है। और इस तरीके से हम चलाते हुए इसका हम एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो देखिए हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि हमारा डो बनकर तैयार हो गया है और इसे एक बॉल में हम निकाल लेते हैं। जैसे ही हल्का सा ये ठंडा हो जाएगा हम इसको आटे की तरह गूंथ लेंगे और इसका एक सॉफ्ट गुड्डो हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें हमने पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर डो हमारा टाइट हो तो इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर हम इसका डो अच्छे से तैयार कर लेंगे। डो हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेंगे। एक बॉल लेंगे और इसे हम चपटा कर लेंगे। इस तरीके से चारों तरफ से घुमाते हुए हम चपटा कर लेंगे। जो हमने स्टफिंग तैयार कर रखी है आलू की, उसे हम लेंगे और इसका भी हम बॉल तैयार कर लेंगे। इसका जो बॉल हम बनाएंगे वो थोड़ा सा लंबे शेप में बनाएंगे। सूजी का जो हमने चकला बना रखा है उसके ऊपर हम रखेंगे इसे और इसे हम चारों तरफ से सूजी के डो से हम कवर कर देते हैं। इसे सूजी के जो डो है उसे आसानी से इसे हम कवर कर लेते हैं। जो हमारी स्टफिंग है बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और देखिए इस तरीके से हमने अंडे के शेप में हमने बनाकर इसे तैयार कर लिया है। सभी सूजी रोल को हमने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है, बहुत ही अच्छे बने हैं। सूजी रोल जो है बिल्कुल एक की तरह दिख रहे हैं। अब हम कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल को हम हाई फ्लेम पर ही गर्म करेंगे और इसमें हम सूजी रोल को एक एक करके इसके अंदर डालेंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब हम इसे पलटते हुए चारों तरफ से हम तब तक इसे फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और बाहर से क्रिस्पी ना हो जाए। और देखिए अच्छे से हमारे जो सूजी रोल है इसमें कलर आ गया है और बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सूजी रोल बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छे बने हैं। देखिए इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और बिल्कुल ये क्रिस्पी बने हैं बाहर से और क्रंची बने हैं। चलिए मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। एक चाकू लेंगे और इसे हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। आप इसे सुबह या शाम चाय के साथ बनाकर खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।